चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जी, अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में यौन शोषण के आरोपी जेई के लगेंगे पोस्टर। जेल में यौन शोषण का आरोपी है जेई राम भवन। जिन जिन जिलों में उत्तर प्रदेश में तैनात रहा है वहां वहां अब उसके पोस्टर लगेंगे। राम भवन पर 50 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है और ये राम भवन फिलहाल जेल में बंद है, चित्रकूट की जेल में बंद है और ये कई जगहों पर। चलिए मेरे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए। तुषार, 50 से ज्यादा बच्चों पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है, इस पर अब किन किन जिलों में इसकी तैनाती रही है, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, देखिए सरफराज, 50 बच्चों के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद सिंचाई विभाग के जेई राम भवन के जो पोस्टर हैं वो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा समेत जहां जहां इस व्यक्ति की तैनाती रही है, इस अधिकारी की तैनाती रही है, वहां वहां इसके पोस्टर थानों पर, चौराहों पर, हर जिले में, पूरे जो जिले हैं वहां पर इसकी तैनाती लगाए जाएंगे। क्योंकि अभी खुद ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि जो भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न करेगा, जो भी इस तरह से कृत्य में इन्वॉल्व होगा, उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। और इसी के तहत प्रयागराज के जो एडीजी हैं प्रेम प्रकाश ने, उन्होंने कहा है कि इसके पोस्टर अब चौराहों पे लगाए जाएंगे। इसके कृत्यों के बारे में, इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और यही वजह है कि इसके पोस्टर जो है वो हर जगह लगा के लोगों के बारे में बताया जाएगा। जैसे ही सीबीआई से पुलिस को रिपोर्ट मिल जाएगी, इसके आपराधिक फहरिस्त मिल जाएगी, उसके बाद इसके पोस्टर लगाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि इसके मोबाइल नंबर से 10 और लोगों के नंबरों का पता चला है जो इसके साथ इस कृत्य में इन्वॉल्व थे और अब 4 टीमें सीबीआई ने बना के इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनका किस तरह से इन्वॉल्वेशन था, क्या क्या उन्होंने किया है और उनसे भी अब जल्द से जल्द पूछताछ की जाएगी। 30 नवंबर तक ये न्यायिक हिरासत में है, 30 नवंबर तक अभी ये जेल में रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर सजा का फैसला किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सरफराज की इसके पोस्टर जो है वो हर जगह लगाए जाएंगे। लेकिन तुषार, सबसे बड़ी बात यह है, तुषार एक चीज हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये जिस तरीके से जिन जिन जिलों में रहा है वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम देता था, क्या ये कोई मानसिक बीमार था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? देखिए, ये तो अभी जांच का विषय है कि क्या था, साजिश थी कि नहीं थी, लेकिन इस तरह के जो भी कृत्य करते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति, मानसिक बीमारी रहते हैं। क्योंकि ये कृत्य नहीं, इसको कुकृत्य कहा जाता है, क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम देना, आपको बताएं कि ये जो घर था, ये जिस घर में रहता था वो आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उन्हीं की एक बस्ती में रहता था। ये पूरी तरह से इस पूरे जो घटना को अंजाम देता था, वेल प्लान्ड अंजाम देता था कि इस तरह के घरों में रहेगा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा, कोई कुछ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होगी और वहीं के बच्चों को अपना शिकार बनाएगा। क्योंकि जिस तरह से इसके घर की स्थिति देखी हमने, जिस तरह से इसके घर के बारे में पता लगा, एक जेई होकर इस तरह के घर में रहना निश्चित तौर पर कोई बहुत, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा कि इस तरह के घर में रहता हो, इस तरह के घर में वो रहा हो, क्योंकि मलिन बस्ती में रह रहा है और मलिन बस्ती में रह के वो बच्चों के साथ इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दे रहा है। तो यही, ये जो पूरा जो इसने घटना को अंजाम दिया, ये वेल प्लान्ड घटना को अंजाम दिया, तो मानसिक बीमार था ये तो अलग चीज है। तुषार, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि कितने साल के बच्चों को ये निशाना बनाता था अपना? देखिए, ये काफी हद तक बात करें तो छोटे बच्चों को ज्यादातर ये निशाना बनाता था, चाहे वो 10 साल के हो, 8 साल के हो, 11 साल के हो, इसी उम्र के जो बच्चे थे उन्हीं को अपना शिकार बनाता था और उन्हीं के साथ इस तरह के कुकृत्य करता था। और यही वजह है कि जो परिवार के लोग थे, जो बच्चों के, वो इस पूरे मामले पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लोक लाज का भय सता रहा है। और जिस तरह से सीबीआई ने खुद इस पूरे मामले को टेक ओवर किया, तो बच्चे आपस में जब कानाफूसी कर रहे थे,
बच्चे आपस में एक दूसरे को इसके कुकृत्यों के बारे में बता रहे थे, तब सीबीआई को इसके बारे में मालूम चला, सीबीआई के इंटेलिजेंस को मालूम चला और सीबीआई ने खुद पर्सनली इस पूरे मामले को टेक ओवर किया और उसके बाद इस पूरे घटना का खुलासा किया। क्योंकि अगर बात करें तो जो जितने भी बच्चों के साथ ये इसने ये इस तरह का कुकृत्य किया है उसके परिवार के उसके माँ बाप के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कहीं से कोई शिकायत तक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तुषार आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि किस तरीके से ये जूनियर इंजीनियर बच्चों को शिकार बनाता था, तकरीबन 50 बच्चों को अपनी हवश का शिकार बना चुका है और अब इसके पोस्टर जगह जगह लगाए जाएंगे जहां जहां पर ये तैनात रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।